ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharstate.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाएं अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpan। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। हिंदुस्तान व बिहार का पहला एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी का मोक्ष धाम गयाजी में विद्युत शवदाह गया नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा है। कुल नगर निगम के द्वारा 10 चिमनी 100 फीट ऊंचाई के साथ बेहतर क्वालिटी का प्रदूषण मुक्त बनाया जा रहा है। इसके निर्माण से मृत बॉडी को कम समय में जलाया जाएगा। पहले मृत बॉडी को विष्णुपद शमशान घाट जलाने में 9 मन लकड़ी से जलाने में घंटे समय लग जाते थे, परंतु नगर निगम की अच्छी पहल के साथ कम समय में हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार विधिवत कर्मकांड के साथ पूरा कर सकेंगे, जिससे आसपास के क्षेत्र व फल्गु नदी स्वच्छ सुंदर हो सकेगी। इसके लिए गया नगर निगम पदाधिकारी गण तत्पर हैं। पहले बॉडी जलाने से जो भी अवशेष बचता था उसे फल्गु नदी में प्रवाहित की जाती थी, जिससे फल्गु नदी दूषित होती थी। अब फल्गु नदी दूषित नहीं होगी, इसकी संभावना बहुत ही कम है। गया से विप्लव कुमार की रिपोर्ट। ये एक अद्भुत है जो यहाँ नदी किनारे आप देख रहे हैं कि बहुत काफी गंदगी फैली हुई है, जिससे नदी बहुत प्रदूषित हो रही है। इसी के उपरांत हम लोग ने ये मशीन लगाया है जो 45 मिनट में आपको हिंदू रीति रिवाज के साथ कर दिया जाएगा, दान संस्कार कर दिया जाएगा। एक बहुत अच्छा मशीन है, ये भारत में कुछ ही जगह स्थानों पर लगा हुआ है और बिहार में यह पहला जिला है जो शवदाह का यहाँ योजना किया गया। जय हिंद। तो देखा, ये हिंदुस्तान का एक, बिहार का नहीं, हिंदुस्तान का एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी का एक क्रिमेशन स्थल मोक्ष धाम बनाया जा रहा है गया के दृष्टिकोण से, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है। उस हिसाब से ये 100 फीट का चिमनी है। इस चिमनी का काम है कि धुआं रहित और प्रदूषण मुक्त करके उसको बाहर निकालना गैस को, और गैस का प्रेशर से लगभग 1 से 1.5-2 मन ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी में ट्रॉली जो सामने देखे हैं वो ट्रॉली पर रखना है, डेथ बॉडी को नीचे ऊपर लकड़ी रखना है, स्टीम जो बना हुआ है वो कंप्रेसर मशीन उसके अंदर जाएगा और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से उसको मुखाग्नि वगैरह दे करके और उसमें अंदर पैक कर देना है। और कंप्रेसर और फायर दोनों का से लगभग 60 से 70-80 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70-80 मिनट तक वो वाइट राख हो जाएगा। फिर अग्नि शांत करके जैसे भी हिंदू रीति रिवाज है वो करने के लिए ये IIT का खोज कर वैज्ञानिक ने जो प्रोडक्ट लाया है, जो गोरखपुर में, मुंबई में, भुवनेश्वर में, मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में इत्यादि में भी एक एक दो दो पीस लगा है। गया में हम लोगों ने नगर निगम से 10 लगाए हैं, लगभग काम इसका पूरा हो चुका है। कुछ ग्राउंड का और बाउंड्री का काम फाइनल टच पर है, जैसे ही होगा आम लोगों के लिए इसको गया नगर निगम द्वारा सपोर्ट कर दिया जाएगा। कोशिश होगा कि तीनों पाली में इसको